परफेक्ट टाइमलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड़ियाल। खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जम्मू तवी से है। यहां के दुधर नाला इलाका है। यहां पे एक 17 वर्षीय युवक की तवी में डूबने की खबर जो है वो सामने आई है। जिस तरह से खबर जो है आसपास के इलाके के लोगों को मिली, लोग तुरंत वहाँ मौके वारदात पर पहुँचे और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF की टीमें जो हैं लगातार इस व्यक्ति को खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देर रात से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम हर्षदीप पुत्र दीप सिंह बताया जा रहा है, जो कि उधमपुर रोंद मेल का रहने वाला है। पिछले लगातार 12 से 13 घंटे हो गए हैं सर्च कर रहे हैं, लगातार गोताखोर जो हैं तवी नदी में लगातार उस युवक की तलाश कर रहे हैं। जो युवक जो है तवी नदी में देर रात जो है बह गया था, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। लगातार SDRF और NDRF की टीमें जो हैं वो लगातार पूरी तभी में है और जांच कर रहे हैं। लगातार गोताखोर जो है वहाँ पे अभी भी आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे ऑपरेशन जो है जारी है। गोताखोर जो है उस युवक को तलाश कर रहे हैं। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए उधमपुर से राकेश वड़ियाल की ये रिपोर्ट। मैं असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण सिंह 13 बटालियन NDRF से हूँ। बहुत ही दुखद घटना घटी है कल शाम को। यहाँ पे एक बच्चा जिसका नाम वंशदीप सिंह था, जो 19 साल का था, वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में शाम को स्विमिंग सीखने के लिए आया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि वो गहरे पानी की तरफ चला गया। उसके दोस्तों ने मदद की उसको बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। जैसे ही हमें पता चला ये, तो हमारी टीम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया है यहाँ पर और मॉर्निंग से ही आज ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन वाटर फ्लो इतना ज़्यादा है कि अभी बोट्स यहाँ पर नहीं उतार सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने डीप डाइवर्ट्स यहाँ पर नीचे भेजना स्टार्ट कर दिए। देखते हैं जैसे पानी का थोड़ा सा फ्लो कम होता है तो हम अपनी बोट्स उतार कर भी सर्च स्टार्ट कर देंगे। बाकी घर वालों से हमारी काफ़ी सिंपैथी है, भगवान उनको ये दुख झेलने की शक्ति दे।